कर रहे हैं। समय हुआ है सुबह के बज रहे हैं 9 और आज मुझे एक बाहर के डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा काम था, तो अभी हम हैं ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे। एक्चुअली एक्सप्रेस वे है और अभी जहाँ मैं जाना है यहाँ से गूगल मैप दिखा रहा है अभी हमें 90 मिनट्स और लगेंगे। आज मैंने यहाँ इस पर एक बोर्ड लगा देखा है रोड पे कि ये जो पूरी रोड एक्सप्रेस वे बना हुआ है इससे जो ना जो भी बारिश का पानी आता है वो आसपास के खेतों में जाता है, तो उनको सिंचाई में मदद मिलती है। जो भी पानी बारिश होती है उसका सीधा पानी खेतों में जाता है। आगे एक बोर्ड लगाएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो एक्सप्रेसवे है ये सोलर पावर ऑन एंट्रा एक्सप्रेसवे है कि सौर ऊर्जित एक्सप्रेसवे। जो यहाँ की लाइट्स वगैरह है ये सब सोलर से हैं। हाँ फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था ये जो एक्सप्रेसवे है पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ये पूरी तरह से ड्रिप के साथ सिंचाई प्रणाली का पहला राजमार्ग है हमारे भारत का। जैसा आप देख सकते हैं जो भी बारिश का पानी आता है वो सारा साइड वाले खेतों में चला जाता है। इस समय मैं हूँ बागपत से मेरठ वाले हाईवे पे जो सुभारती यूनिवर्सिटी के पास निकलता है और यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारे आगे। बहुत देर से ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है तो भाई साहब इसने इतना जबरदस्त जाम लगाया हुआ, ऊपर से ठूस ठूस के भरा हुआ है। एक बार मुझे लगा कि ये तो मेरे ऊपर ही आएगा देखो ये पूरा तो हिलाना चल रहा है रोड पे लगाया हुआ जाम। अरे इससे पूछो भैया इतना ये भर के ले जा रहा है कहाँ ले जाएगा, कितनी भैंसों को खिलाएगा। नहीं कितना रिस्क है इस जगह देखना जरा, ये गिर जाए पलट जाए कितने लोग। सिंगल रोड है बिल्कुल तो। भी बाइक वाले देखो कहाँ को निकल रहे, गिरेगा कोई नीचे गड्ढे में। अब देखते हैं मैं ऐसा कितनी देर में क्रॉस कर पाता हूँ, मुझे तो लग नहीं रहा कि वो होगा क्रॉस ये ना ये साइड दे रहा है। देखो अब देखो ये पूरा हिलेगा। अभी ये बंदर आया हमारा प्रसाद ले गया। फ्रेंड्स अभी हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। मैं अपना काम निपटाने के बाद हम गए थे पूरा महादेव मंदिर, मेरा काम आज था बागपत, उसके बाद हम मंदिर के लिए गए क्योंकि मैं जल्दी फ्री हो गया था। जल्दी फ्री होने के बाद हम मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद हम वापस अपने घर के लिए निकल गए हैं। शाम के बज रहे हैं 5:30 और इस समय है पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर। अभी हमें घर पहुँचने में कम से कम यहाँ से कितना टाइम लगेगा, 1.25 घंटा और लगेगा। एंड बारिश का मौसम हो रहा है बहुत टाइम, आज हमें ऐसा हुआ कि हम जहाँ जा रहे हैं हमसे पहले ही वहाँ बारिश हो के खत्म हो गई है।